थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हमें महाराज जी की वह भजन स्थली देखने के लिए मिलेगी जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। अंदर अटकलियाँ कर रहे हैं, देखो अपनी अपनी शरारतें बंदर भैया ब्रज में तो करेंगे ही। और सोशल मीडिया पे एक बाबा है जो काफी फेमस है जिनका नाम है प्रेमानंद महाराज जी जी। उनकी भी एक तपोस्थली कह सकते हो, भजन स्थली कह सकते हो। पहले वो यहीं रहते थे ऐसे कोई 5-6 साल पहले भजन करते थे। उनकी तपोस्थली है ये प्राचीन वन आप देख पा रहे हैं। बैठ के किया करते थे भैया और प्रेमानंद महाराज जी यहीं तपस्या करते थे, यहीं रहते थे। मैं कहूँ कि पुराना उनका स्थान और उनका घर यही था जो कुछ भी था। और आज इसके दर्शन करके इतना अच्छा लग रहा है, अंदर से इतना अच्छा भाव आ रहा है, क्या बताऊं। राधे राधे साथियों, कैसे हो आप सभी? आप सभी देख रहे हैं सूरज ब्रिजवासी और मैं हूं आपके साथ सूरज। भैया हमने आपको प्रेमानंद महाराज जी की कई सारी वीडियो दिखाई है, जैसे कि महाराज जी के आप कैसे दर्शन कर सकते हो, एकांत में कैसे दर्शन कर सकते हो, कब मिल सकते हो, सारी XYZ A to Z हमने पूरी जानकारी आपको सूरज ब्रिजवासी यूट्यूब चैनल पर दे रखी है। और साथियों आज हम आपको एक ऐसी प्राचीन जगह दिखा रहे हैं सभी भक्तों को प्रेमानंद महाराज जी से जुड़ी हुई, जिसे देखकर आप सभी लोगों के भाव ही कुछ और होने वाले हैं। मतलब आप का मन एकदम प्रसन्न हो जाएगा उस जगह को देखने के बाद। जी हाँ साथियों, आज हम आपको महाराज श्री के पुराने आश्रम के, मैं कहूँ कि भजन स्थली के दर्शन कराने वाले हैं, जहाँ महाराज जी पहले आए से लगभग 3 से 4 साल पहले, मैं कहूँ तो 5 साल पहले यहाँ रहते थे, यहीं भजन करते थे, यही उनकी कुटिया, यही उनकी तपोस्थली है वृंदावन धाम में। और ये जगह महाराज जी का जो अभी आश्रम है उससे थोड़ा सा आगे है, बस 300 मीटर चलते ही आ गए है। मैं आपको प्रॉपर वीडियो में दिखाऊंगा कहाँ पर है ये जगह, जहाँ महाराज जी का पुराना आश्रम है, पुराना घर है, पुरानी तपोस्थली है मैं कहूँ तो। तो चलिए हम आपको चलते हैं, देखो ये वाली रास्ता इधर से आइए वृंदावन परिक्रमा मार्ग से, वहाँ महाराज जी का नया वाला आश्रम है। और ये आप सामने जगह देख रहे हो, यही भैया वो स्थान है मदन तेरा पढ़ पा रहे हो, इसको दिखा रहे हैं भैया अंदर चल के, और महाराज जी के पुरानी भजन स्थली, पुराने स्थान के दर्शन कराएंगे, जो कि आज आप पहली बार YouTube पर देखोगे। और मैंने भी नहीं देखा, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। चलिए अंदर चलते हैं, जय श्री राधे। तो भैया इस स्थान का नाम है मदन टेर, और वैसे एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, देखो यहाँ लिखी हुई है एंट्री प्रोहिबिटेड फॉर पब्लिक, और आप यहाँ आए तो एक बार परमिशन लेके आना। तो भैया अभी हम उस स्थान पे आपको लेके जाने वाले हैं, वैसे हम परिसर के अंदर आ गए हैं जहाँ महाराज जी की पुरानी भजन स्थली है। और इतना सुंदर ये स्थान है, आप देखोगे तो आपका मन इतना प्रसन्न हो जाएगा कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये आप इधर देख पा रहे होंगे, यहाँ लेके हुई कृपया जूते चप्पल यहीं उतारें और गंदगी ना करें, तो हमने अपने सब यहीं उतार दिए और अंदर जा रहे हैं इस स्थान के। और वह वाली जगह तो हम आपको दिखाएंगे जहाँ महाराज जी भजन करते थे। और अंदर आप घुसते ही सबसे पहले यहाँ का वातावरण देखिएगा, अंदर घुसते ही आप यहाँ का वातावरण देखिए कितना सुंदर और कितना मनमोहक है, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए भैया, ये पूरा वन है छोटा सा, यहाँ पे जो कि तमाम बंदर अटकलियाँ कर रहे हैं, देखो अपनी अपनी शरारतें बंदर भैया ब्रज में तो करेंगे ही। और ये काफ़ी बड़ा है एरिया, और यहाँ से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हमें महाराज जी की वह भजन स्थली देखने के लिए मिलेगी जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और यहाँ हम शाम के समय आए हैं तो यहाँ का आनंद और अनुभव सिर्फ आप वीडियो में थोड़ा सा महसूस ही कर पाएंगे, यहाँ होते तो आप अच्छी तरह से फील कर पाते। यहाँ पे जो आनंद आ रहा है ना, ये जो ब्रज में, ब्रज के वनों में, ब्रज के जंगलों में जो आनंद आता है, वही आनंद यहाँ पे हमें महसूस हो रहा। देखिए बंदर है, देखिए बंदर तो हैं इतने हैं भैया, देख पा रहे होंगे आप, ये देखो बंदर ही बंदर हैं इस छोटे से वन में, ये देखो। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं भैया उसी महाराज जी के तपोस्थली की तरफ, जहाँ महाराज जी भैया जो है भजन करते थे आज से लगभग 5 साल पहले। और बहुत ही मनमोहक और सुंदर स्थान है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए कितना आनंदमय स्थान है ये। जैसा कि हम इस स्थान के अंदर हैं, और यहाँ पे हमारे साथ तरुण भैया हैं ब्रज की यात्रा से। भैया राधे राधे। राधे राधे भैया। तो भैया यहाँ के बारे में आप थोड़ा सा लीला बताइए, क्या यहाँ की लीला है? यहाँ की देखो लीला मैं आपको बता देता हूँ, आपने सुना होगा कामदेव जी को बारे में। जी कामदेव जी उनको कहते हैं जो हमको सुंदरता प्रदान करते हैं। जी यहाँ पे राधा कृष्ण की एक लीला स्थली भी है, यहाँ पे राधा कृष्ण लीला करने भी आया करते थे, उन्हीं का रूप धर के, मदन का रूप धर के और कामदेव जी यहाँ पे आए थे। जी और एक और चीज बता दूं कि श्री हरिवंश महाप्रभु जी यहाँ पे आए थे, तपस्या की थी उन्होंने भी यहाँ पे की थी। एंड उसके बाद आपने किताब पढ़ी होगी श्री हित 84 को,
वहीं, और 1506 में आए थे श्री यदुवंश हरिवंश महाप्रभु जी, वो भी बताया था मुझे। और श्री 84 कोष की जो किताब थी उसकी गणना यहीं से हुई थी, उनकी संरचना जो होती है वो यहीं से हुई थी। तो बहुत प्राचीन स्थान है ये, काफी ज्यादा प्राचीन स्थल है ये, 5500 वर्ष प्राचीन है, जो भगवान कृष्ण थे ना उन्हीं के समय का है ये मदन, 5000 वर्ष पुराना। और महाराज जी से जुड़ी हुई जो, और एक और बात है कि जो आपने आजकल देखा होगा सोशल मीडिया पे, एक बाबा हैं जो काफी फेमस हैं जिनका नाम है प्रेमानंद महाराज जी, उनकी भी तपोस्थली कह सकते हो, भजन स्थली कह सकते हो। पहले वो यहीं रहते थे, ऐसे कोई 5-6 साल पहले वो यहीं पर अपने भजन कीर्तन किया करते थे। अभी वो सामने थोड़ी दूरी पर जाके केली कुंज आश्रम में करते हैं, उससे पहले वो यहीं करते थे। राधे जी भैया, तरुण भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों आप देख पा रहे होंगे यही पूरा वन है जिसमें महाराज जी हमारे भजन करते थे, उनकी तपोस्थली है ये प्राचीन वन, आप देख पा रहे हैं किया करते थे भैया। और देखिए यही पूरा स्थान था, और देख पा रहे होंगे कितना सुंदर स्थान है, महाराज जी यहाँ बैठ के किया करते थे, आप सामने सभी लोग देख पा रहे होंगे जी, इसी के ऊपर बैठा करते थे महाराज जी, और इसी के नीचे बैठ के अपने नाम जप करते थे जी जी जी। राधा, देखिए कितने प्राचीन स्थान के दर्शन कर पा रहे होंगे, इसका इतिहास तो कितना प्राचीन है जो कि भैया ने बताया, और जो महाराज जी तपस्या करते थे हमारे प्रेमानंद महाराज जी वो यही वृक्ष है और यही पूरा वन है, ये आप देख पा रहे होंगे इतना सुंदर और मनोरम स्थान अपने श्री धाम वृंदावन के अंदर है। और आप अगर यहाँ आ रहे हो तो हमने आपको बता दिया कि यहाँ परमिशन से आप आइएगा, क्योंकि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो आप ऐसे ना आए जिससे आपके दर्शन भी ना हो और आपको कुछ समस्या झेलनी पड़े, ठीक है भैया। और हम आपको एक बार दोबारा से इधर से दिखा देते हैं इस पूरे वन को, देखिए कितना सुंदर स्थान है, बंदर और वृक्ष, मतलब कितनी अच्छी यहाँ पे वातावरण है, फीलिंग है, आप देख पा रहे होंगे अलग ही स्थान है। देखो बता दूँ कि आपने बारा घाट का नाम सुना होगा, बारा घाट का भी नाम इसी जगह से पड़ा था, यानी कि एक वन उपवन है ये और बारा घाट पे ही है ये, इसी के नाम से पड़ा। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, यदि आप वृंदावन धाम आ रहे हैं तो हमारे यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, विद परमिशन, अगर आपके पास परमिशन है तभी आप इसके दर्शन कर सकते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप अन्यथा नहीं घुस सकते हैं जी जी जी। वहाँ पे बाबा रहते हैं, उनसे आप पूछ लीजिएगा कि बाबा हम यहाँ के दर्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अभी आप देखोगे, देखो वृंदावन देख पा रहे होंगे, ये जो मेरे पीछे जो प्राचीन वृंदावन का है, जो वृंदावन है इन्हीं से वृंदावन की पहचान है, लता पताओं से वृंदावन की पहचान है, वृक्षों से, वन उपवनों से। पहले जो वृंदावन हुआ करता था ऐसा ही वृंदावन हुआ करता था, जो सूर्य आप देखते हैं उसकी किरण वृंदावन धाम में अंदर नहीं आ पाती थी, इतने वृक्ष ज्यादा घने जंगल हुआ करते थे। आज से आप देखोगे करीब 500 वर्ष पहले, ज्यादा नहीं है, 500 वर्ष पहले पीछे पूर्व जाओगे, उस समय वृंदावन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ जंगल ही जंगल थे आप देखोगे तो। उसके बाद ये मंदिरों का निर्माण हुआ, चैतन्य महाप्रभु जी आए, उन्होंने सारा ब्रज को दोबारा से खोजा, उन्होंने देखा कि यहाँ ये लीला हुई है, यहाँ लीला हुई है। उसके बाद और गोस्वामी आए, गोपाल गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूपा गोस्वामी, इन सब ने वृंदावन धाम की एक रचना की। और जिनको भी बहुत लोगों को ये लगता है कि राधा वल्लभ जी, राधा वल्लभ जी को प्रकट करने वाले श्री हरिवंश महाप्रभु जी नहीं थे, उनको तो वो दहेज में मिले थे, एक अनंतम ब्राह्मण है उनको, उन्होंने श्री हरिवंश सॉरी राधा वल्लभ जी को प्रकट किया, प्रकट किया। बहुत लोगों को ये नहीं पता है तो ये भी याद रखें। कुछ स्थान इधर भी बना हुआ है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, इधर का पार्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं, पूरा वही स्थल आप देख पा रहे होंगे। शाम का समय है तो बंदर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डोल रहे हैं, देखिए पूरा कितना सुंदर वातावरण है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ का, देखिए कितना सुंदर वातावरण है। और वृंदावन धाम के बीचों बीच ये जगह है, महाराज जी का जो अभी हितकेली कुंज आश्रम है उससे थोड़ा सा ही नज़दीक में है ये जगह, आप यहाँ पे आ सकते हैं। और देखिए यहाँ का पूरा वातावरण बहुत ही सुंदर और मनोरम स्थान है, मज़ा आ गया यहाँ पे, आ गया आनंद आ गया। जय श्री राधे।